हम आप देख रहे सूर्य आदित्य न्यूज, आइए रुख करते हैं खबरों की तरफ। मेरठ के मोदीनपुर स्थित दीपक राणा के आवास पर महापंचायत हुई। महापंचायत में मोदीनपुर गन्ना सोसाइटी से जुड़े करीब 500 किसानों का था तमाम निर्वाचित डेलीगेट, डेलीगेट प्रत्याशी, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों सहित विभिन्न समाज सेवियों ने भाग लिया। महापंचायत में एक सुवर से मोदीनपुर गन्ना विकास समिति के डेलीगेट पद के पर्चे रद्द होने के विरोध में भाकियू टिकेट की ओर से प्रतापपुर थाना परिसर में चल रहे धरने की कड़ी आलोचना की। महापंचायत की अध्यक्षता सुराज सिंह नेहरा और संचालन नवाब सिंह लखवाया ने किया। इस अवसर पर एडवोकेट लोकेंद्र विजय प्रधान, बिल्लू प्रधान, अमित चौधरी व अशोक पोसवाल आदि सहित कई सैकड़ों किसान मौजूद रहे। हमारे बीच में दोबारा से कुछ पत्रकार बंधु आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और जो हमारे पीडी वो डेलीगेट साथी जो भी अपनी आगे बाइट नहीं थी, मैं दोबारा उनसे अनुरोध करता हूं कि वे एक बार फिर मंच के सामने आ जाएं। जितने भी हमारी डेलीगेट बने हैं वे पत्रकार बंधुओं को उनसे कुछ बात करनी है, कृपया यहाँ जाए जितने भी डेलीगेट हैं। बड़ी ईमानदारी से चुनाव को जिताया है। जब हमारे पर्चे खराब थे किसी भी कारण, किसी भी बिंदु पर पर्चा कैंसिल हो सकता था, किसी और का भी हुआ है, जब मेरा पर्चे में सही था तो मेरा पर्चा सही हो गया, मेरा नाम घोषित कर दिया, तुम्हारा नहीं था तुम्हारा कैंसिल हो गया। इसमें विरोध करने की जरूरत नहीं है, भाईचारा बना रहे। धन्यवाद मयूर भाई। सर आज जो पंचायत हो रही है किस लिए हो रही है पंचायत? ये जो पंचायत हो रही है ये बिल्कुल गलत हो रही है, क्योंकि सरकार का काम है जितने पर्चे भरे गए थे उनका निरीक्षण करना, जो ठीक है उनको ठीक रखना, और जो बिल्कुल ठीक तरह से कार्य हुआ है। ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि पर्चे निरस्त करा दिए, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे अपने गाँव का ही एक बच्चे का पर्चा कैंसिल हुआ, हमने तो कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि जब गलत है तो पर्चा तो वापस हो गई। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, चुनाव तो पहले भी होते हैं होते रहेंगे, लेकिन हम सब लोग किसान हैं और दीपक भी किसान ही है, अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो किस चीज़ का विरोध है? हमारे भाइयों को विरोध नहीं करना चाहिए? और जहाँ तक विरोध करने की बात है भाई, चुनाव होएगा, चुनाव लड़ा जाएगा, मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। जो हमारे किसान भाई हमारे विरोध है, चुनाव के बाद विरोध खत्म हो जाएगा, आपस में इकट्ठे रहेंगे। कल थाने पर राकेश टिकैत जी आए थे, उनके द्वारा एक आह्वान किया गया था, यदि इसमें कुछ सरकार का हस्तक्षेप पाया गया तो वो जितने भी हाईवे हैं उन्हें ब्लॉक कर देंगे, तो क्या सहयोग करेंगे आप उनका? नहीं, हम सहयोग क्यों करेंगे, हम तो कहते हैं बिल्कुल कोई गलत कार्य होना ही नहीं चाहिए, बंद में हम क्यों सहयोग करेंगे? जितने किसान भाई हैं कोई भी सहयोग नहीं करेगा, मैं उन सबकी तरफ से कहता हूँ, एक भी किसान नहीं जाएगा जितने लोग यहाँ बैठे हैं। पब्लिक को परेशान करना, सरकार के कार्य में बाधा डालना, ये तो बिल्कुल गलत है। तो क्या आप इस जो सरकार के द्वारा जो नीतियां हैं उनके पक्ष में हैं आप? जो सरकार की नीतियां हैं हम उनके बिल्कुल पक्ष में हैं और वो बिल्कुल ठीक भी हैं, सभी किसान भाइयों की तरफ से यही कहना है। सर आज जो पंचायत हो रही है किस लिए हो रही है पंचायत? ये जो पंचायत हो रही है ये बिल्कुल गलत हो रही है, क्योंकि सरकार का काम है जितने पर्चे भरे गए थे उनका निरीक्षण करना, जो ठीक है उनको ठीक रखना, और जो बिल्कुल ठीक तरह से कार्य हुआ है। ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि पर्चे निरस्त करा दिए, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे अपने गांव का ही एक बच्चे का पर्चा कैंसिल हुआ, हमने तो कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि जब गलत है तो पर्चा तो वापस हो गई। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, चुनाव तो पहले भी होते हैं होते रहेंगे, लेकिन हम सब लोग किसान हैं और दीपक भी किसान ही है, अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो किस चीज़ का विरोध है? हमारे भाइयों को विरोध नहीं करना चाहिए? और जहाँ तक विरोध करने की बात है भाई, चुनाव होएगा, चुनाव लड़ा जाएगा, मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। जो हमारे किसान भाई हमारे विरोध है, चुनाव के बाद विरोध खत्म हो जाएगा, आपस में इकट्ठे रहेंगे। कल थाने पर राकेश टिकैत जी आए थे, उनके द्वारा एक आह्वान किया गया था, यदि इसमें कुछ सरकार का हस्तक्षेप पाया गया तो वो जितने भी हाईवे हैं उन्हें ब्लॉक कर देंगे, तो क्या सहयोग करेंगे आप उनका?
नहीं हम सहयोग क्यों करेंगे, हम तो कहते हैं बिल्कुल कोई गलत कार्य होना ही नहीं चाहिए, बंद में हम क्यों सहयोग करेंगे। जितने किसान भाई हैं कोई भी सहयोग नहीं करेगा, मैं उन सबकी तरफ से कहता हूँ, एक भी किसान नहीं जाएगा जितने लोग यहाँ बैठे हैं। पब्लिक को परेशान करना, सरकार के कार्य में बाधा डालना, ये तो बिल्कुल गलत है। तो क्या आप इस जो सरकार के द्वारा जो नीतियां हैं उनके पक्ष में हैं आप? जो सरकार की नीतियां हैं हम उनके बिल्कुल पक्ष में हैं और वो बिल्कुल ठीक भी हैं, सभी किसान भाइयों की तरफ से यही कहना है। अरे पंचायत हो रही है यहाँ पर, क्यों हो रही है, किस लिए होगा ये पंचायत? हमें मजबूरी में करनी पड़ रही है, जो हमारे भाई बंदी हैं असामाजिक तत्व तो उन्हें क्या कहें, वे गलत तरीके से थाना घेर के बैठ गए क्योंकि उनके पर्चे में खामियां थी, वे निरस्त हो गए। वे प्रशासन पर अनावश्यक दबाव बना रहे हैं कि भाई हमारे पर्चे बहाल किए जाओ या दोबारा चुनाव हो रहा है। बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव का पर्चों का निरीक्षण हुआ, जिनके सही थे वो सही रहे, जिनके गलत थे वो निरस्त हो गए, उसी का वो विरोध कर रहे हैं, अनावश्यक विरोध है, कोई विरोध की वजह नहीं है। लगातार भारतीय किसान यूनियन सरकार पर सीधा सीधा निशाना साध रही है कि उनके द्वारा ही इस सारे चुनाव में हस्तक्षेप किया जा रहा है, उनके द्वारा ही सारे पर्चों को निरस्त कराया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत जी, अब से 5 साल पहले इसी सोसाइटी में तख्ती फाड़ कर फेंक दी थी निर्वाचित चेयरमैन की, 5 नहीं 7 साल हो गए जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब किसान यूनियन कहाँ थी, निर्वाचित चेयरमैन की तख्ती फाड़ कर फेंक दी, अपने आप चेयरमैन जबरदस्ती बनकर बैठिए, वो प्रक्रिया तो लोकतांत्रिक लगती थी। जो ईमानदारी से काम हो रहा वो इनकी बात समझ में नहीं आ रही, इनका अधिकार है कहीं भी बैठो, कोई रोक थोड़ी रहा है भाई मैं यहाँ बैठ जाऊँ आप वहाँ बैठ जाओ, कौन रोक लेगा? भारतीय किसान यूनियन के आला अधिकारी वहाँ पर, आला अधिकारी नहीं है, केवल जो हमारे क्षेत्र के दलाल टाइप है वे हैं, या एक दो उच्च अधिकारी आए हैं वे हैं। स्वयं राकेश टिकैत वहाँ पर मौजूद थे तो वो लगातार इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, तो आप इसको कहाँ तक सही मानते हैं या गलत मानते हैं? राकेश टिकैत जी ने भी एक तरफ की बात सुनी है, हमारे पक्ष तो उन्होंने सुना ही नहीं, भाई जो वहाँ बैठे हैं उनका कुछ रिश्तेदारी का कनेक्शन है। राकेश टिकैत जी ना तो स्पेशल थाने में आए इस काम के लिए, वो दिल्ली से जा रहे थे, उन्होंने आग्रह करा भी 2 मिनट के लिए आ जाओ, हमारी सुनवाई नहीं है, तो उनके कार्यकर्ताओं ने जाना पड़ेगा। एक वीडियो अध्यक्ष पार्टी का मंत्री जी को फोन करूंगा तुरंत आगे, एक वीडियो वायरल हो रही है, अगर पर्चे निरस्त नहीं किए गए तो सारे के सारे जितने भी हाईवेज है उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ऐसा भी प्रैक्टिस है, लेकिन यहाँ तक कोई किसान उनके साथ नहीं जाने का, तो आखिर ले करेंगे, पहले तो सब किसान थे साथ में, यूनियन के जुड़े हुए लोग भी यहाँ पे हैं, सब ने उनका तन मन धन से सहयोग करा, लेकिन अब तक कोई किसान यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं है, हम सब यहीं पर डटे रहेंगे, विरोध करेंगे। आज आपके यहाँ इतने सारे लोग जुड़े हुए, एक पंचायत माने कि वो महापंचायत जोड़ रखी है, क्या है कारण इतने सारे लोग किस लिए जुड़े हैं? देखो ये जो पंचायत है ये एक विषय को लेके है, क्योंकि गन्ना समिति के चुनाव चल रहे हैं और जब चुनाव चल रहे हैं तो उसमें पर्चे भी दाखिल होते हैं। एक दूसरा ग्रुप तो थाना घेरो बैठा है पिछले 2 दिन से, कौन सा ग्रुप स्पष्ट करिए, भारतीय किसान यूनियन के कुछ दलाल, मैं ये शब्द भी कह रहा हूँ, बैठे हैं वहाँ और वो कहते हैं कि पर्चे गलत निरस्त कर दिए गए। आप सब लोग हैं, यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं जो हमारी और आपकी उम्र से दुगने हैं, जब से इस हिंदुस्तान में लोकतंत्र आया क्या पर्चा पहली बार कैंसिल हुआ? लोकसभा में पर्चा कैंसिल नहीं होता, विधानसभा में नहीं होता, जिला पंचायत में नहीं होता, MLC में नहीं होता, राज्यसभा में नहीं होता, कौन सा ऐसा चुनाव है जिसमें पर्चा निरस्त नहीं होता? क्यों भारतीय किसान यूनियन के लोग वहाँ नहीं जाते, धरना देते हैं कि पर्चे निरस्त हो गए? गए आज तक कोई भारतीय किसान यूनियन का? अगर भारतीय किसान यूनियन सही चलती तो इतने फाड़ भी ना होते, मैं मन से कह रहा हूँ, ये बात कहीं ना कहीं गलत हो रहा है यूनियन में, तो इसलिए इतने फाड़ भी हो गए, आज हर आदमी यूनियन बना के तैयार है। राकेश टिकैत जी वहाँ पर पहुँचे तो उसके बारे में क्या? राकेश टिकैत जी वहाँ इसलिए पहुँचे, जो अभी मेरे से पहले शर्मा जी ने बताया, वो दिल्ली से आ रहे थे, जब इन्हें बुलाया गया तो 2 मिनट को होता चलू, केवल ये थी 2 मिनट को होता। उनके द्वारा यह भी आह्वान किया गया कि अगर कोई पर्चे निरस्त नहीं किए गए तो उसके बाद ये रोड ब्लॉक कर दिए जाएंगे, ऐसा वायरल हो रही है। मैं मानता हूँ कि अगर उन्होंने कहा होगा तो इन्हें तो आदत है, और खास करके टोल पे बैठने की बहुत बड़ी आदत है कि भारतीय किसान यूनियन को, इसके पीछे मेरा सवाल है, जब रास्ता रोका जाता है तो टोल ही क्यों रोका जाता है? और दूसरी बात, जब रास्ते रोके जाते हैं, टोल रोका जाता है, हाईवे रोके जाते हैं, उसमें किसान उपस्थित होते हैं, और किसानों का एक बहुत बड़ा धड़ा मैं समझता हूँ 90% किसान आज यहाँ दीपक राणा जी के साथ है और आवास पर हैं। वहाँ कौन बैठा थाने में?
या सब किसान बैठे हैं, आप इनकी चेहरे से मोहरे से सीरत से सूरत से देख सकते हैं या किसान बैठे हैं, और ये इसी भारत के किसान है, पाकिस्तान बांग्लादेश के किसान नहीं है, और इसी मोहद्दीन पूर सोसाइटी के किसान है। आपकी माने तो क्या मंशा है भारतीय किसान यूनियन की वहाँ पर धरना? देखो उनकी मंशा तो वही बता सकते हैं, या तो उन्हें व्यक्ति विशेष दीपक राणा जी से इंटेंशन हो सकती है, या सरकार को बदनाम करने की हो सकती है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया बिल्कुल शांति से है और जो एक कानून प्रक्रिया होनी चाहिए जो निर्वाचन के शक्ति है उसके द्वारा हो रही है। ठीक, आज के लिए खबरें बस इतना ही, कल फिर होगी आप।